ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग का कोर्स, क्योंकि चोरिस्तान यूनिवर्सिटी और यूपी में जो मैं पढ़ा रहा था, तो उस वक्त हम लोगों ने कमिट किया था कि सेमेस्टर के एंड पर जो हमारी छुट्टियां होंगी उसके अंदर हम लोग, बल्कि मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक्स बारे में बताऊंगा, किस तरीके से मशीन लर्निंग हो रही है और कैसे इस पर काम हो रहा है। इसमें हमारे जो मेजर पोर्शन रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग मशीन लर्निंग करेंगे भी, और साथ के साथ हम लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मशीन लर्निंग के जरिए से आप लोग फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहां से आप लोग स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स की भी जो असाइनमेंट्स हैं जो उनको यूनिवर्सिटी से मिल रही हैं उनको भी सॉल्व करने में हेल्प कैसे कर सकते हैं, और उसके जरिए से भी बड़ी अच्छी खासी अर्निंग होती है। और इसके मैं बकायदा आपको फिजिकल प्रूफ्स भी दूंगा, और एक दो और लोग हैं जो शायद अभी शायद ज्वाइन भी कर चुके होंगे हमें मीटिंग में, वो भी साथ यही काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम साथ के साथ शामिल करेंगे। एक दो साथ छोटे छोटे सेमिनार्स भी करेंगे जिसमें आप लोगों के लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। ठीक है, तो कंटेंट की तरफ आते हैं कि हमने थ्रू आउट अ कोर्स, इसका मैक्सिमम जो टाइम मैंने रखा है वो 2.5 मंथ, मतलब जब तक यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं होती तब तक हम फ्री हैं और उस वक्त तक हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लें। तो इसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन, पाइथन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, लिस्ट कैसे यूज होती है, टपल कैसे यूज होता है, डिक्शनरीज का यूज कैसे होगा, सेट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, इसी तरह के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, और मैं आप लोगों को साथ के साथ बताऊंगा और आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ नंपाई होगा हमारा, मतलब हमारी जो मल्टी डायमेंशनल एरे मौजूद है, कि चाहे वो आपका डेटा जो है वो CSV फाइल में मौजूद हो, क्योंकि जब डेटा सेट की बात आती है तो वो खैर बाद में जाकर हम इसको क्लियर करेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल एरे में हो। मैं इसको सिंपली, मैं अगर आपको वैसे ही बताना चाहूँ जिसका प्रोग्रामिंग से माइट भी पॉसिबल है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ना हो, आप लोगों ने एक 9th क्लास में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉलम का, तो मल्टी डायमेंशनल रोज एंड कॉलम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास CSV फाइल्स मौजूद होती है जिनमें रोज एंड कॉलम्स में डाटा मौजूद होता है। CSV को अगर सिंपली कहूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस तरीके से मौजूद होता है, तो मशीन लर्निंग जब भी उस पर प्रेडिक्शंस करती है तो हम इन चीजों की जरूरत पड़ती है नंपाई की। इसमें जो मैथमेटिक्स के और स्टैट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करूंगा कि ये किस तरीके से मौजूद है। ऐसे दो चार स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ वो मशीन लर्निंग में बड़े अच्छे हैं, लेकिन नंपाई में जब मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है तो उनको काफी सारी कन्फ्यूजन रहती है, अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन रहती है, तो वो साथ के साथ हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। एक एक जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आया है, मीडियन है, मोड है, या बाकी जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पांडास आ जाएगा हमारे पास, लिए बड़ा जरूरी है हमारे पास, आपको डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी चाहिए, डाटा सेट में कोई एम्बिगिटी है तो कैसे क्लियर करनी है, मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम कंजम्पशन है, लेकिन पांडास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए से हम डाटा सेट को ट्रेन करने से पहले प्री प्रोसेस कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। तो आगे जाकर हम लोग लर्निंग या पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी जरूरत क्यों है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारे मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, ये जितने भी हैं उनके कॉन्सेप्ट हैं कैसे यूज होंगे, और फिर आपको साथ ही साथ जो दो तीन सोर्स साइट्स हैं जहां पर दिखा देता हूँ, मैं रिजर्व ऑफ कर देता हूँ। लाइक कैगल जो मौजूद है, हमारे पास मशीन लर्निंग के लिए या डेटा सेट्स जब हम लोगों को ढूंढने हो बड़ी स्ट्रॉन्ग साइट है, जहाँ पर हम डेटा सेट्स देख सकते हैं, लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशंस भी दी होती हैं और इसमें अच्छे खासे कॉम्पिटिशन भी चल रहे थे,
के बारे में भी हम लोग देखेंगे, और भी काफी सारी डेटा सेट की साइट्स अवेलेबल है जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनमें किस किस किस्म का डेटा सेट मिल जाता है और हम उसको चेकआउट करेंगे, क्या हमारे लिए रिलायबल है। ये सारी चीजें हमारे कोर्स का पोर्शन रहेगा। ओके, तो हमने थोड़ा सा कोर्स को ब्रीफली यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दे, तो मैंने एक कंटेंट ना डिजाइन किया है, हम इसी को इंशाल्लाह स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और हमारा कोर्स एंड टू कंप्लीट होगा। इसमें एक दो क्वेश्चंस थे जो मुझे पहले से कर लिए हैं उन्होंने, तो मैं साथ के साथ बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया कि सर इसका सर्टिफिकेट होगा। वैसे मेरा प्लान नहीं था, मैं फिजिकल वालों को सर्टिफिकेट देना चाह रहा था, बट लेट मी ट्राई कि मैं आपको ऑनलाइन कोर्स का भी एक सर्टिफिकेट डिजाइन करके आप लोगों को साथ के साथ दे दें। लेकिन उसके लिए तीसरी चीज है वो आपका एंड प्रोजेक्ट एंड पर, और उसके बाद मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये कुछ लेसन्स हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, तकरीबन ये 6 लेसन्स हैं। 6 लेसन प्लान्स में हमारे पास हम सारी चीजें देखेंगे, मतलब पाइथन क्या है, उसके जो इन्वायरमेंट है जो हम लोगों ने इंस्टॉल करने हैं, मतलब एडिटर्स, कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं जैसे आपका कोलैब है, बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है इसके बारे में, जो कल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कल हम लोग जो देखेंगे कि पाइथन के लिए कौन कौन से टूल्स नेसेसरी हैं, उनमें से हमने हमें क्या क्या इंस्टॉल करने चाहिए और हम उनमें कैसे इजीली काम कर सकते हैं, उस एनवायरमेंट की कुछ बेसिक चीजें साथ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैगल का कोलैब का मैंने क्यों नाम लिया, क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग जाएंगे तो बहुत सारे डेटा सेट की अगर हमें ट्रेनिंग करनी पड़ गई तो शायद अच्छा खासा टाइम हो सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स के अंदर सीपीयू मौजूद, तो हमें जीपीयू की जरूरत है। तो जो गूगल कोलैब है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीपीयू की फैसिलिटीज देता है, उसके जरिए से हम डाटा सेट को ट्रेन भी कर सकेंगे और ये सारी चीजें मौजूद होगी। बट स्टार्ट में हमें खैर पाइथन करनी है, कुछ हमारे ऑफलाइन इंस्टॉल आईडीज भी मौजूद हैं जैसे वीएस कोड है, उसमें किस तरीके से उनकी और एक्सटेंशन है जिनको यूज करें इजिली हम कोड कर सकते हैं। साथ कुछ AI एप्स भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको साथ कोडिंग करने में हेल्प करेंगी, आपको जो प्रोग्राम्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, ये जो आपकी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ खुद क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वो जनरेट करके देंगी। क्योंकि कोर्स के एंड पर जब आप लोग काम करने लगेंगे और मार्केट का जब काम करेंगे तो स्टिल ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनका माइट भी पॉसिबल है सोल्यूशन माइंड में ना हो, बट AI आपको ये हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप ये तमाम की तमाम उन AI एप्स को इस्तेमाल करते हुए सारे सॉल्यूशंस का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक्स पर जाने की रीजन ये है कि बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अभी सिर्फ स्टार्ट या अभी सेकेंड ईयर की है, उन्होंने अभी स्टार्ट ही लेना है, चाहे वो AI में चले जाए या किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। खैर ये हम तो बेसिक्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाइथन का एक स्ट्रक्चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, बेसिक ऑपरेशंस कैसे हैं हमारे पास, इनपुट आउटपुट कैसे होती है। फिर सेकंड लेसन में हम जाएंगे, तब हम लोग इफ एल्स देखेंगे, प्री कंडीशंस चेक पॉइंट्स का बड़ा जरूरी होता है हमें। लूप के बारे में देखेंगे, आइट्रेशंस कैसे हम लोग कर सकते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के बारे में। फिर इसी तरह फंक्शंस को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी लाइन ऑफ कोड है जिन्हें बार बार यूज करना पड़ेगा, तो हम बजाय इसके कि हम बार बार उस लाइन ऑफ कोड को लिखें, हम लोग फंक्शंस बनाकर उनको सिर्फ कॉल करेंगे और उनको डाटा पास आउट करेंगे, वो हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगी। इसी तरह कुछ डाटा स्ट्रक्चर के पोर्शन है हमारे पास, जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, बड़े नेसेसरी पोर्शन है हमारी मशीन लर्निंग के लिए, तो इनको हम जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे इन पर, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज पर, कि इनका अच्छा खासा यूज है, इनके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो हमें लर्निंग करने में पड़े। जैसे ये तीन हमारे लेसन खत्म होंगे हम फौरन से नंपाई पर शिफ्ट करेंगे। हम नंपाई के बारे में देख, मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास कैसे होगा, उनकी मैनिपुलेशन कैसे होगी, CSV फाइल्स के अंदर भी अगर डाटा मौजूद है तो हम नंपाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं, भी डाटा सेट्स हमारे पास मौजूद करने के लिए हमें नम पाई का कहाँ कहाँ यूज करना है, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस
ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, उनके कैसे कैसे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस कैसे कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें। फिर इसके बाद पांडास को देखेंगे हम। पांडास के बारे में आप लोग, मैंने बता दिया था कि हमें प्री प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा फ्रेम्स हमारे पास क्या हैं, डेटा फ्रेम्स के जरिए से हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि डेटा में कहाँ कहाँ एम्बिग्विटी है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, डेटा एक्यूरेट है, तो फिर हम मशीन लर्निंग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे मशीन लर्निंग है क्या, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज, रीइन्फोर्समेंट और पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और कौन कौन से मौजूद हैं, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये हमारा कोर्स का कंटेंट होगा। उसके फौरन बाद हम आप लोगों को 1 या 1.5 वीक का टाइम देंगे जिसमें आप लोग साथ के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। सो जिस जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उन उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को हम इंशाल्लाह आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लोगों को देंगे। वैसे सर्टिफिकेट्स नेसेसरी नहीं होते हैं इन स्किल्स के लिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। मोस्ट वेलकम। सर्टिफिकेट डिजाइन करके इंशाल्लाह इंफोसिस कोड के काम का सर्टिफिकेट भी देंगे। अब मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करने लगा हूँ, तो जिस जिसके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली वो सारे के सारे ना हैंड रेज कर लेंगे और हम उस पर फिर डिस्कस आउट कर लेंगे।